खबर इस वक्त आ रही है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर, बहुत बड़ी खबर आ रही है। हत्याकांड के चौथे आरोपी की पहचान हो गई है, इसका नाम मोहम्मद जीशान अख्तर है। मोहम्मद जीशान अख्तर पर शूटरों को नक्शा देने का आरोप है, तो दूसरी तरफ बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में गिरफ्तार शूटरों को मुंबई की किला कोर्ट में पेश कर दिया गया है। एक आरोपी ने कोर्ट को 17 साल का नाबालिग बताया, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस से आरोपी का आयु प्रमाण पत्र मांगा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी का आधार कार्ड कोर्ट में पेश किया, जिसमें उसका जन्म 2003 का है, यानी आरोपी की उम्र 21 साल है। इसके अलावा अपडेट यह है कि पोस्टमार्टम के बाद बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर बांद्रा के उनके आवास मकबा हाइट्स पर रखा गया है, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। रात 8:30 बजे मरीन लाइन स्टेशन के सामने बड़ा कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। वहीं हत्याकांड में यूपी कनेक्शन भी सामने आया, शूटर शिवा गौतम और धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हैं। तो हत्याकांड के चौथे आरोपी की भी पहचान हुई है, चौथे आरोपी का नाम मोहम्मद जीशान अख्तर है। निशान पर शूटरों को नक्शा देने का आरोप। बाबा सिद्दीकी मर्डर पर मुंबई पुलिस का बयान सामने आया है। 15 टीमें राज्य के बाहर जांच में जुटी हुई हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, आरोपियों की भूमिका की जांच हो रही है। लॉरेंस विश्नोई गैंग के एंगल से भी जांच पड़ताल हो रही है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, आरोपियों की भूमिका की जांच हो रही है। क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।